ये देखें इस पे दिल भी बन रहे हैं, ये जरा ज्यादा शेप में है, ये भी है छोटे छोटे, ये भी है। तो जी मज़ेदार और सुपर इजी टोर्टिला रैप बनाने के लिए हमें चाहिए तकरीबन हाफ के जी मैदा, इसमें हम लेंगे हसबे ज़रूरत नमक, हसबे जायका चीनी, क्योंकि घर में हर चीज हसबे जायका आप अपनी जरूरत के मुताबिक ही यूज करते हैं, इसीलिए मैं अपनी जरूरत के मुताबिक यूज कर रही हूँ, आप अपने मुताबिक चीनी और नमक को यूज कर सकते हैं। इसमें हम लेंगे हसबे जरूरत बेकिंग पाउडर, फिर इसमें मैं यूज कर रही हूँ 1 स्पून कॉर्नफ्लोर, अब हम इसको सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लेते हैं। इसे हम अच्छी तरह मिक्स करने के बाद तकरीबन इसमें हाफ कप घी यूज करेंगे, मैं घी यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे घी का फ्लेवर ज्यादा अच्छा लगता है, आप चाहें तो आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं। फिर इसमें तकरीबन 1 कप हम लेंगे दूध, और इसको अच्छी तरह गूंदेंगे थोड़ा थोड़ा करके, सारा एक ही दफा नहीं डालेंगे ताकि अच्छी तरह आपस में गूंज जाएगा, इसकी डो बनाएंगे। इसको अच्छी तरह गूंदने के ये होता है कि इसकी डो जो है वो अच्छी बनती है और वो टूटता नहीं है रैप आपका। अब इसको 40 to 45 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम इनके बनाएंगे पेड़े और फिर हम बनाएंगे इनके टोर्टिले।
ये तकरीबन हाफ के जी मैदे में 7 रैप्स बने हैं, और ये इतना सा बच गया है जिसे मैं बाद में कहीं पे यूज़ कर लूँगी, पराठा रोल बनाने में यूज़ कर लेंगे। हाफ के जी में तकरीबन आप 8 टोर्टिला रैप्स बना सकते हैं, मुझे 7 चाहिए तो 7 मेरे बन गए हैं। अब इन्हें हम फर्स्ट वाले को बेलेंगे। उसको हमने अच्छी तरह बेल के बहुत ही थिन बना लेना है, थोड़ा बेलने में होता है तो ये बेलना भी जरा छोटा है वरना ये इजीली हो जाता है। देखिए जैसे जैसे थिन होता जाएगा खुद ही बड़ा होता जाएगा। इसे बेलने पर बेलने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं जरा स्लैब पर ट्राई करती हूँ। स्लैब मैंने पहले ही क्लीन कर ली थी इसके लिए। ये देखें कितना ही थिन जो है वो बन गया है। ये थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं हम इसे। तवे पर हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे या ऑयल ताकि ये चिपके ना।
पकने में बहुत ही सॉफ्ट है। अभी इसे मैं थोड़ा सा पलट दूंगी। बहुत ही सॉफ्ट और जैसा बाजार से लेते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही लग रहा है। और सबसे बड़ी ये बात है कि आपने खुद घर में बनाया है, आपकी अचीवमेंट है इसमें। इसे हम थोड़ा सा ही कुक करेंगे, इसे जलाना नहीं है, क्योंकि जब हमने रैप्स को फिल करना है तब भी हम इसे थोड़ा सा हीट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट रैप तकरीबन रेडी है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है। अभी हम इसी तरह बाकी रैप्स जो हैं वो बना लेंगे। खुशका लगाते हुए आपने डरना नहीं है। कल मैंने समोसा की पट्टियां भी बनाई थी तो वो भी इसी तरह खुशका लगाना पड़ रहा था और बड़ी मजे की बनती हैं। फिर जो मोटे मोटे किनारे हैं ना उनकी साइड्स पे आप दोबारा मार लें इस तरह। तो ये मैंने जो जाएगा शेप का इशू नहीं करना है, ये रैप करते हुए सबकी सेम हो जाती है, थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए तो खैर। पहले हमने इसको घी लगा लिया था, इस दफा आप ना भी लगाएं। अगर आपको तवा ड्राई फील हो तो आप लगा लें, अगर नहीं फील हो रहा तो ना लगाएं। जो न्यू लोग बना रहे हैं वो डायरेक्ट इसको हाथ से ना पकड़ें, गर्म होती है। मैं जरा शादी के बाद एक्सपर्ट हो चुकी तो पकड़ लेते हाँ, तो पहले पकड़ते थे तो लग बदे जाते थे। ये देखें इस पे दिल भी बन रहे हैं, ये जरा ज्यादा शेप में है, ये भी है छोटे छोटे, ये भी है। प्यार मोहब्बत से जब भी कोई चीज बनाई जाती है तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लें जी ये हमारा लास्ट रोटी है रैप की, तो इसको हम तवे पर डालने लगे हैं। बहुत ही मजे से ग्राइंड करता है तवे। ये हमारे बाकी बन के तैयार हो चुके हैं, साइज में काफी बड़े हैं, वीडियो में छोटे लग रहे हैं। ले जी मजेदार टोटीला रैप जो हैं वो घर में तैयार हो चुके हैं। आप इनको रोल्स बना सकते हैं, वेजिटेबल रोल्स बना के खा सकते हैं, चिकन चीज के साथ यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा आप नाश्ते में भी इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही लाइट वेट है और एज कम्पेयर टू रोटी थोड़ा बहुत हेल्थी भी है। अल्लाह हाफिज़।